आज हमारा ट्रक वायरिंग का एक बैच कंप्लीट होने जा रहा है और ये बैच ने पूरा कॉमर्शियल व्हीकल जिसे बोलते हैं कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल हो ये लोग अब रिपेयर कर देंगे जी सर पक्का। रोहित ने तो ECM भी सिखाया, रोहित के फादर का कॉमर्शियल का ही बिजनेस है जोधपुर के अंदर और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर लेंगे। थापा साहब फ्रेशर थे जी, थोड़ा बहुत काम जानते थे पर अब ये पूरा तैयार है कॉमर्शियल व्हीकल को करने के लिए। अन्ना क्या गिरीश भाई 20 साल का अनुभव रखते हैं और उसके बाद भी वापस आए, प्रोग्रामिंग सीखी और डायग्नोस्टिक टूल सीखा और अपने लेवल को एक अपग्रेड किया। मेमीचंद तो आपने देखा भी होगा और भी वीडियो में, तो वायरिंग कंप्लीट किया है, ECM कंप्लीट किया है, सीख के जाएंगे सर पूरा कंप्लीट और पूरा कंप्लीट दिखा। तो कैसा रहा अनुभव रोहित सर? बहुत ही शानदार रहा अनुभव तो। फ्रेशर था, कुछ पता नहीं था क्या कंपोनेंट है क्या वायरिंग है, सब कुछ देखने को पता चला कैसे चेक करना है कैसे सही करना है वो सब सीखा। अभी छुट्टियों में जोधपुर गया तो क्या अनुभव रहा? सर छुट्टियों में अच्छा अनुभव रहा था, गाड़ी आई थी उसको कमा के आया था। मतलब यहाँ अपन कमर्शियल ट्रक बहुत अच्छे से सीख सकते हैं? बहुत अच्छे से सर। फैकल्टी कैसी है? बहुत शानदार, मजा आया। पूरा दिन निकला पता चला? नहीं, बिहेवियर अच्छा है इसका, सभी सर का, स्टाफ का, हाँ हर चीज डिटेल में सीखा, हर चीज डिटेल में। अब कर लोगे? अब कर लेंगे। थापा साहब जी सर कैसा रहा अनुभव? एकदम बढ़िया रहा है यहाँ का अनुभव, जो मुझे वायरिंग में इतनी नॉलेज नहीं थी तो यहाँ आने के बाद मुझे नॉलेज लगभग 80% तो आ गई। जो जी सारे कर लोगे? जी सारे, यूरिया सारी चीजें हो जाएगी आपकी? कर लूंगा। कॉमर्शियल व्हीकल कर लूंगा। कैसा माहौल है? आप किधर, आसाम से ना? मिजोरम से। जी कैसा माहौल है और क्या बिजनेस है, क्या प्लानिंग है? यहाँ से जाके मैं फिर कॉमर्शियल वाली ट्रक में फिर जाकर काम करूंगा। काम करना है? जी कॉन्फिडेंस है। चलिए थैंक यू। कैसा रहा आपका तो बहुत अनुभव है वायरिंग में? अनुभव तो है सर। फैकल्टी कैसी है हमारी? अच्छी है। कैसा समझा? बहुत अच्छे समझे। पहले कॉन्फिडेंस था, लैपटॉप इतना बढ़िया चला लोगे? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, जो तो घबरा रहा था सर मेरे टच में है, फर्स्ट में बोला था मैं चला जाऊं, मुझे जाना नहीं है, मैं रुका हूं तो तू क्या करेगा जाके आज की डेट में अच्छा है, एक नंबर। प्रोग्रामिंग टूल भी सीख लिए? कितने दिन हो गए आपको? 10 दिन हो, 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए, 11 दिन में आपने कॉमर्शियल व्हीकल की प्रोग्रामिंग पूरा सीख लिया, अभी 4-5 दिन और लगेंगे पर एक लेवल पे कंप्लीट। जेल टेस्ट ले लिया और कोई इशू नहीं कॉमर्शियल व्हीकल कर लोगे? कुछ भी नहीं। 20 साल वाला मैकेनिक ये कह सकता है कि हमारी फैकल्टी सिखाने जैसी है या नहीं? 101% है। 101% है, बढ़िया सिखाती है, बढ़िया सिखाती है। पर सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये आप सब लोगों ने, ट्रक वालों से हमें कोई कंप्लेन नहीं, ये हमारे कार वाले थोड़ी कम मेहनत करते हैं, ट्रक वाले बहुत मेहनत करते हैं। बड़ा व्हीकल है ना सर, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पीछे नेमीचंद से बात देखो, नेमीचंद। हां सर, मेरे तो ABCD नहीं आती थी इसके मामले। हां तेरे यहां एबी, पर अब मस्त हो गया, अब तो मस्त है, ऐसा रहता है जस्ट ऑटो अपना ही है सर। ये तेरा ही है क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा है सर, सिखाने का तरीका भी। अब रही नेमीचंद की बात, अब नेमीचंद के लिए तो ऑफर है, अब नेमीचंद के पास कोई वर्कशॉप तो है नहीं। अब ये कहता मैं कहाँ जाऊँ तो मेरे पास फोन आते हैं, नेमीचंद को मेरा वर्कशॉप दे दो, कोई कहता नेमीचंद का मेरा वर्कशॉप दे दो, सिखाने का तरीका अच्छा ना। सर कहते नेमीचंद को तो मैं उदयपुर का वर्कशॉप दे देता हूँ, ये चला लेगा। चलाएंगे ना सर, कर लेगा नेमीचंद। मस्ती तो खूब करता है, एकदम सीरियसली बता कैसा रहा, क्या रहा और कितनी डिटेल से? जबकि तू जब मैं फर्स्ट में बीमार था तो गांव जाके आया ना, फर्स्ट में आया था तो सर मैं 3 दिन यानी 8 दिन की क्लास, तो ऐसा लगा कि यहाँ से जाने में ठीक है। मैं फिर जैसे जैसे रोटेशन की पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मेरा सब कुछ कॉन्फिडेंस अच्छा बन गया, मजबूत हो गया। और अब तो और भी कॉन्फिडेंस और दल जाएगा अपना। कुछ कमा के दिया जस्ट ऑटो कमा के तो दिया ना आपने, दिया सर मेरे को? नहीं, वो तो हमने दिया, गाड़ियाँ ठीक करके आया नहीं आया? अभी जाएंगे ना सर। अच्छा तुम नहीं गए अभी तक गाड़ी ठीक करने, अभी तुम्हारे को देना है पर ये जल्दी जा रहे हैं। कितना पैसा लेके आए? सर वो तो अभी सर को बताया, हमको हमारे सामने दे दिया था। नहीं वो कौन था साथ में? हर्षद सर थे। हाँ तो 3,000 रुपये लेके आए तो हम जीरो लगाने वाले हैं लास्ट में, 30,000 का काम करने वाले हैं। नहीं बिल्कुल करोगे। देखिए खुशी उसी चीज़ की होती है कि कैसा सीखा क्या सीखा। शुरुआत में सबको तकलीफ आती है, पहले 5 दिन तो ऐसा लगता है कि हम काम आया जाल में फंस गए, यही होता सर, और 5 दिन बाद लगता है कि हम सही जगह फंसे हैं।
क्योंकि पहले दिन तो सीखे हुए को भी लगता है कि यार ये तो सब आता है क्या, मुझे बच्चे बता रहा है बैटरी सेल्फ और अल्टरनेटर, और जबकि प्रोसेस प्रोसेस से चलता है। मैं तो खन्ना में गया था। अच्छा, अपन किसी और इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, तुम सब जगह घूम के आए हो, घूम के आके टिके वही है जहाँ कुछ मिलता है, टिके वही है जहाँ मिलता है, और वाकई हम देते हैं। देखिए मिला है, बहुत कुछ मिला ना। देखिए सबसे बड़ी बात है ये इंस्टीट्यूट एफर्ट्स करता है, हर बार ट्रेनिंग कोर्स में चेंज करता है। जैसे इस बार हम वायरिंग के कोर्स में जो पहले नहीं था, इस बार हम पुश स्टार्ट बटन लेके आ गए हैं। कुछ नई चीज़ें, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम लोग वायरिंग के अंदर डालते रहते हैं, प्रोग्रामिंग में डालते रहते हैं। जो पहले लोगों ने ECM सीखा, अब वालों में बहुत सारे नए टूल आ गए हैं, तो हर बार नया टूल लाना, नई चीज़ लाना, नई टेक्नोलॉजी लाना, ये जस्ट ऑटो का काम है। आप जरूर, कई लोग कहते हैं फीस है आप इतने कम में, कोई इतने 50,000 में ECM वायरिंग सब सिखा देता है। भाई साहब क्या ट्रक ECM कितने का आता है जिसमें आप काम करते हो, सेकंड हैंड की ले लो तो ठीक है ना, 40-50 हज़ार के डेंस और उसमें जाएंगे तो बॉस बॉस 12,000 से तो नीचे भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब 12 से 40 हज़ार के ECM पे और चालू ECM पे आपको 50,000 में ECM कार वायरिंग सब कौन सिखाएगा भाई? सर नहीं सीख सकते आप, आधा अधूरा सीखोगे और फिर हमारे पास ही आओगे। आप वापस आइए, थोड़ा अनुभव लेके आइए, हमारे पास आइए, हम पूरा सिखाएंगे। ग्रीन वाला ECM देंगे तो ब्लैक करने वाला तो सिखा देंगे वो लोग, लेकिन ग्रीन को ग्रीन नहीं सिखाएंगे ना। आप इसके बातों से समझिए, बहुत खुश हैं और एक एनर्जी है। मेरी तरफ से वापस बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया काम करें। जिस दिन पहला 1,00,000 रुपया प्रॉफिट कर ले, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें फोन करेंगे। 10,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये गुरुदक्षिणा भी देंगे। अच्छा 1,00,000, ये हमारा पहले स्टूडेंट है जो 1,00,000 हमको 10,000 देंगे, और हम उस 10,000 को हमारे वो 10,000 के नोट हम या चेक जो भी दोगे कांच में लगा के रखते ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट है। तो आपको भी सीखना है ट्रक ECM ट्रक वायरिंग कोई भी कोर्स करना है, दिल से करना है, तो जस्ट ऑटो आना है और आपका वहाँ पे स्वागत है। पहले वही चीज़ बता रहा हूँ, नेमी चंद ने जैसे कहा कि पहले 7 दिन में तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और 8वें दिन लगा कि नहीं अब यह टिकनर, अब इसको लोग लेने के लिए आ रहे हैं, सबके पास ऑफर है। हमने सबको बोला कि जो भी ट्रक वायरिंग ECM सीख रहे हैं उसको कोई अच्छा जॉब चाहिए, कहीं काम चाहिए, और ये कोई करना क्या जॉब जी है घर जाने के बाद देखेंगे, कोई करेगा नहीं। तो आपको भी सीखना है जस्ट ऑटो आइए, चेहरे की खुशी बताती है कि हम बहुत अच्छा सिखाते हैं, पैसा लेते हैं, उतनी एफर्ट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच।